भयंकर परी हमारी दिशा में आ रही है। लेकिन भयंकर परी यहाँ आ गई तो फिर बालवीर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी ने बालवीर को कोई चोट पहुंचाई हो? नहीं नहीं भयंकर परी, बालवीर को कुछ नहीं होगा और वो हमें भी कुछ नहीं होने देगा। सामने आओ नटखट परी, तुम मुझसे ज्यादा देर छुप नहीं सकती। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा? अब जल्दी भयंकर परी हमें ढूंढ लेगी और हमारे पास उससे लड़ने की कोई शक्तियां भी नहीं है। कल दिल्ली के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने एक लड़के को पागल कहा तो उस लड़के ने प्रिंसिपल के सारे कपड़े फाड़ डाले। ओह माय गॉड, कितनी खतरनाक न्यूज़ है ये। आजकल के लड़के भी ना कमाल के हैं। अरे बाप रे, कल मैंने भी मोंटू को पागल कहा था, मोंटू कहीं मेरे कपड़े ना फाड़ डाले। आज तो मैं कपड़े फाड़ के ही रहूंगा। हाँ सर, आज मैं कपड़े फाड़ के ही रहूंगा। आराम से मोंटू, शांत आओ आओ, बैठो 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 बेटा। क्या लोगे, क्या खाओगे बेटा, मुझे बताओ क्या पियोगे? चाय ठंडा गरम 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 अभी मंगाता हूँ मोंटू। गरम का मतलब क्या? मेरा दिमाग गरम है। अत्ता माची सतक ली, कल आपने मुझे पागल कहा था ना। मोंटू मैंने तुझे पागल कहा था, लेकिन प्यार से कहा था। तू भी पागल है। पागल? फिर से आपने मुझे पागल कहा? फिर से कहा, लेकिन प्यार से कहा पागल है। प्यार से कहा लेकिन पागल कहा ना? नहीं नहीं बेटा, पागल कहा लेकिन प्यार से कहा है ना। तुम्हें भी अब एक प्यार से बात बताना चाहता हूँ। क्या? कल आपने मुझे पागल कहा था ना, तो मैं आज उसका सबूत लाया हूँ। बेटा तुम पागल हो, इस बात का सबूत लाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ ना। क्या कि मैं पागल हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम मोंटू हो। हाँ तो ठीक है, पर सर आप वो देखिए जो सर क्या देख रहे हो? वो देख रहा हूँ। अरे सर वो देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओह बताओ। सर बल्लू एक डुबा डुबा नाम का एक विचित्र प्राणी है। उसके बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक है। रोहित केवल उस विचित्र प्राणी को अंदर लाओ। सर ठीक से देखना, उसके बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक है। बस देखिए सर, देखिए। क्या देखूं? कहाँ है विचित्र प्राणी? मेरे पीछे। मोंटू मोंटू, तुम्हारे साथ में रहकर रोहित और केवल कभी कभी विचित्र हरकत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन लोगों को भी विचित्र कहूँ। अरे सर रोहित केवल नहीं, ये एक मिनट सर, एक मिनट बता सर को कि तू एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा के, नहीं तो। हाँ सर, हूँ मैं एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक। हाँ और सर को ये भी बता कि मानो और मैं परिया है। हाँ सर है मानो और मैं परिया भी। इस समय भयंकर परी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, उसका डन बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले कि भयंकर परी नटखट परी और माँ के पास पहुंचे, मुझे उन्हें ढूंढकर उनके पास पहुंचना होगा। पर वो लोग हैं कहाँ? पत्थर के पीछे छुपे और भयंकर परी भी उसी दिशा की ओर बढ़ रही है।
कहीं वो मुझसे पहले उन तक ना पहुंच जाए। अब क्या करें बालपरी? भयंकर परी तो हमारे काफी पास पहुंच गई है, कभी भी हमें पकड़ लेगी। नहीं नहीं, जब तक बालवीर है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है, वो यहाँ जरूर आ जाएगा और वो भयंकर परी को किसी भी हाल में परी तारा के सादे हिस्से तक पहुँचने नहीं देगा। क्या करूँ, कैसे पहुँचूँ माँ के पास? देखा सर, अपने अपने कानों से सुना ना, मैं सच कह रहा था ना। हाँ बल्लू, हकीकत में तुम कोई डुबा डुबा एक हो। हाँ सर, अभी तो इसने कहा, तेरे को पता सब सच सच। बेवकूफ उल्लू, तूने मुझे बेवकूफ उल्लू का नहीं कहा आपको, तो क्या प्रिंसिपल सर को कहा? अरे कहा ये मैंने खुद को। खुद को क्यों? हूंगा मैं बेवकूफ उल्लू ही, जो बताऊंगा आपको ये सच कि मोंटू ने किया है वादा मुझे एक बड़ी सी पिचकारी देने का। अगर मानू मैं क्यों मैं एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक, और है मानो और मेहर परिया, और सर आप देंगे साथ मेरा तो मोंटू देगा आपको भी एक बड़ी वाली पिचकारी। हाँ मोंटू, तुम मुझे बड़ी वाली पिचकारी दोगे? नहीं सर, मैं आपको कोई पिचकारी विचकारी नहीं देने वाला। तो सिर्फ बल्लू को ही दोगे? हाँ मतलब मैं बल्लू को भी कोई पिचकारी नहीं देने वाला। क्या? तो नहीं मानूंगा मैं क्यों मैं एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक। पर तुम तो डूबा डूबा एक हो बिल्कुल जैसे गधे। मतलब कि सर मोंटू बस गधे की तरह मेहनत करके अपने काम पे जुट जाते। हाँ मोंटू बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले लो, आराम करो, रिलैक्स बेटा रिलैक्स। ओके सर, एक बार मेरी बात पर विश्वास कीजिए सर, ये विचित्र प्राणी है। कह रहा था ना मुझे तू विचित्र प्राणी, अब करेगा हरकतें तू विचित्र। कल तो तुम ये भी कहोगे कि मैं भी एक विचित्र प्राणी हूँ, मेरी भी हरकतें विचित्र प्राणी वाली है, तो क्या मैं मान लूंगा? ढोलीड़ा ढोल दिमो दिमो बगाड़मा दिमो बगाड़मा रड़ियाड़ी रातड़ी नो जो जे रंग जाए ना, ढोलीड़ा ढोल दिमो दिमो बगाड़मा। सैनिकों जाओ अपने मोर्चे पे जाओ, हमले की तैयारियां करो। बेटे सलीम, अनारकली के प्यार में तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम्हारे मुंह से बगावत की बुआ। नहीं 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 नहीं, बगावत क्या शब्द खराब हुआ, तुम हमसे बगावत करोगे? नमस्कार, गुजरात ना समाचार विस्तार में आज ना ताजा ने साझा समाचार प्रमाणे गई काले दिल्ली में एक स्कूल में एक प्रिंसिपल स्कूल ना छोकरा ने पागल कहू, तो छोकरा एक प्रिंसिपल ना बता कपड़ा फाड़ी नाख्या। आता लेटेस्ट अने ताजा समाचार। जय हिंद। बस हो गया बहुत। क्या देख रहे हो, क्यों मंदार की तरह हंस रहे हो तुम लोग? हाँ क्या मैं तुम्हें विचित्र प्राणी नजर आ रहा? हाँ सर। Shut up! Get lost from here! Sorry सर। सर आप एक बार हमारी बात पर विश्वास तो कीजिए, ये देखिए हमने जो रिकॉर्डिंग किए वो देख लीजिए, वीडियो देखिए सर। ये सब तुमने कंप्यूटर में तैयार किया है ना? क्या करते रहते तुम बच्चे लोग, निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ जल्दी यहाँ से। नहीं सर। सर मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, ये बल्लू एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक है। देखिए सर इस रिकॉर्डिंग में भी वो नहीं दिख रहा है, और उस दिन मानव की जो फोटो खींची थी ना उस फोटो में भी मानव नहीं दिख रहा था सर। अब देखना मैं उन तीनों की फोटो आपके सामने खींचूंगा, और उस फोटो में भी ये तीनों नहीं दिखाई देंगे सर, तभी आपको मुझ पर विश्वास होगा। नहीं सर, मोंटू तो कहता है कुछ भी। ओके मोंटू, दिस इज अवर लास्ट एंड फाइनल चांस। ओके ओके सर, हम अभी मानव और मेहर को लेकर आते हैं, चलो रे।
बना दिया मैंने खामखा प्रिंसिपल सर का मजाक। नहीं करना चाहिए था मुझे बिल्कुल ऐसा। सर, कर दीजिए मुझे माफ सर। इट्स ओके बेटा, लेकिन तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मांगता हूँ मैं उसकी तरफ से आपसे माफी। मैं जाऊँ सर? ओके। अब तुम्हारी तो फोटो खींचनी है ना? सर, लेकर आता हूँ मैं मानो और मेहर को। नहीं आएंगे वो इस मोंटू के साथ। है शैतान मोंटू बहुत सर। हाँ ओके। वहां तक पहुंचने में ये मायावी मछलियां मेरी मदद कर सकती है। और ना जलाकर भस्म कर दूंगी। हटो, हटो यहां से। इनसे इस समय उलझना मतलब अपना समय बर्बाद करना है। मैं नटखट परी और बाल परी को दूसरी दिशा में ढूंढती हूँ। अब मुझे किसी भी तरह माँ और नटखट परी तक पहुंचना ही होगा। छुपी हैं ये दोनों। कहीं बालवीर तो उनके पास नहीं पहुंच गया। बालवीर, बालवीर, आप आ गए। आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, जब तक आप सब परियों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा मुझे कुछ नहीं हो सकता। बल्लू कहीं का? अरे मारू मैं। अरे कहां से आ रहा? मानो मैं, तुम कहां थे बल्लू? वो मैं बिंदियो। तुम सबको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। बच जाना साथ इसके, ये डालने वाला है रंगम पर। भागिए भागिए। मेहर की बच्ची, अब कहाँ जाओगी बचकर? मोंटू बॉस। क्या है? अरे बेवकूफ, उसको ही पकड़ रहा था। सॉरी। ओह सॉरी।
प्रिंसिपल सर के कैबिन में चलो। मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी देती हूँ, चुपचाप परितारा का आधा हिस्सा लेकर मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं इस मायावी पर्वत को जलाकर खाक कर दूंगी। अब क्या करें? मैं किसी भी तरह भयंकर परी से परितारा का आधा हिस्सा हासिल करना होगा, और एक बार हमारे पास पूरा परितारा आ गया तो भयंकर परी हमसे लड़ नहीं पाएगी। लेकिन बालवी, हम ये करेंगे कैसे? हाँ। ये करेंगे हमारी मदद। परितारा के जुड़ने का।